वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में कि न्यूट्रोफिल्स कैसे बनती है और कैसे काम करती है। ओके वेल, सबसे पहले हम बात करते हैं उस फैक्ट्री के बारे में जहाँ पे सारी की सारी सेल्स अराइज होती है। सो एक हम फैक्ट्री के जैसा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, इट्स अ फैक्ट्री। ओके ये है बोन मैरो। एक्चुअली स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेल्स जो है वो बोन मैरो के अंदर ही बनती है। तो ये मैंने बोन मैरो यहाँ पे बना दिया और ये बोन मैरो के साथ में एक छोटा सा कंपार्टमेंट और बना देता हूँ मैं। इसको मान लीजिए आप बोन मैरो के अंदर ही एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर है। ओके दिस इज अ ट्रेनिंग सेंटर। एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मान लीजिए दिस इज अ थाइमस। ओके अब फंडा क्या है, देखिए बोन मैरो के अंदर सबसे पहले दो सेल्स आपको बताता हूं। बोन मैरो के अंदर से ही बी सेल्स बनेंगी और वो बी सेल बोन मैरो के अंदर ही उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है तो बी सेल जो बनती है बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होती है और बोन मैरो के अंदर ही उसका ट्रेनिंग सेंटर होता है। वहीं पे वो ट्रेनिंग लेती है और उसके बाद में वो अपने टारगेट्स को फाइंड आउट करके उनके साथ इंटरेक्शन करती है। यानी कि ये ट्रेंड सेल होती है, ये अपने टारगेट के लिए स्पेसिफिक होती है। दूसरी है टी सेल। बोन मैरो एक और सेल बनाएगा, दैट इज टी सेल। नाउ टी सेल जो है बनेगी बोन मैरो में बट ट्रेनिंग के लिए ये जाएगी थाइमस के अंदर। सो थाइमस इज ऑल्सो ट्रेनिंग सेंटर बट टी सेल के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर। ओके तो यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद ये फर्दर इंट्रैक्ट करेगी किसी न किसी पैथोजन के साथ में या किसी न किसी फॉरन एंटीजन के साथ में। तो एक बात आपको यहां पे जानने लेनी है कि जो बी सेल और टी सेल है ये दोनों के दोनों ट्रेंड सेल्स हैं। बी सेल एंड टी सेल, दिस बोथ आर ट्रेंड सेल्स। बाकी की जितनी भी सेल्स होंगी, चाहे वो आपकी न्यूट्रोफिल हो, बेसोफिल हो, इसनोफिल हो या नेचुरल किलर सेल हो, वो सारी की सारी अनट्रेंड सेल्स होती है। मतलब कि वो अपने टारगेट के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। उनको जब थोड़ी बहुत गड़बड़ लगेगी तो उसको किल कर देती है। ठीक है एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती है, बट दीज आर ट्रेंड सेल्स, दीज आर एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स। वेल बोन मैरो के अंदर से एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल। अब वही स्टेम सेल हर तरह की सेल बनाती है, चाहे वो बी सेल टी सेल हो चाहे बाकी की सेल्स हो। तो मैं यहाँ पे एक आपको स्टेम सेल बना देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर चीजों को समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये येलो कलर से बनाता हूँ मैं, दिस इज अ स्टेम सेल। अब जैसा कि मैंने बोला कि बाकी जितनी भी सेल्स होंगी वो स्टेम सेल से ही बनेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टेम सेल को मदर सेल भी बोल सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल इट मदर सेल, राइट? अब देखिए कैसे इससे बाकी की सेल जनरेट होती है। वेल स्टेम सेल का एक और नाम है हिमेटोसाइटोब्लास्ट, ये भी ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिमेटोसाइटोब्लास्ट। नाउ इससे दो लिनेज पहले आपको समझाता हूँ, फिर बाकी की बातें करेंगे। सबसे पहले देखिए जो ये स्टेम सेल है ये दो अलग अलग तरह की सेल्स को बनाएगी। एक होती है माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल, माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल एंड वन इज लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल। ऑलराइट सबसे पहले माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल के बारे में जानते हैं। ये फर्दर एक खास तरह की सेल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड माइलोब्लास्ट। ध्यान रखिएगा माइलोब्लास्ट।
माइलोब्लास्ट आगे स्पेसिफाई हो जाएगी और अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आएगी। माइलोब्लास्ट अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएगी, खुद को मैच्योर करेगी बेसिकली, और ये चेंज हो जाएगी माइलोसाइट के अंदर, इट विल चेंज इनटू माइलोसाइट। अब इस माइलोसाइट से तीन अलग अलग तरह की कैटेगरी बनेगी, मतलब या यू कैन से तीन अलग अलग तरह की सेल्स बनेगी जिनको आप बोलते हो ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो ये तीनों ग्रेन्यूलोसाइट बनाएगी। कौन कौन सी ग्रेन्यूलोसाइट होगी, मैं थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं। इट विल मेक योर बेसोफिल्स, देन इट विल ऑल्सो मेक न्यूट्रोफिल्स, एंड द लास्ट वन इज इसनोफिल्स। ओके, इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ग्रेन्यूलोसाइट्स। ऑल दीज सेल्स आर व्हाट, दीज आर ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्यों ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं, क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखते हैं और इनके ऊपर एक खास तरह की डाई या स्टेन डालते हैं, तो इनके अंदर ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो कलर गेन कर लेते हैं और वो ग्रेन्यूल्स चमकते हैं, जो दाने से होते हैं, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो चमकते हैं। दैट इज वाई दीज ऑल थ्री सेल्स आर कोल्ड ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो अगर मैं एक सेल आपको बना के ऐसे दिखाऊं, तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो इसके ग्रेन्यूल्स आपको कुछ इस टाइप के दिखेंगे, लाइक दिस, दीज आर ग्रेन्यूल्स। ओके, दीज आर ग्रेन्यूल्स। तो आई होप के ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल के बारे में बात करते हैं। लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल जो है ये किस तरह की सेल्स आगे चल के बनाती है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये तीन मेन सेल बनाएगी। इट विल मेक बी सेल, ओके, इट विल ऑल्सो मेक टी सेल, एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेल इज नेचुरल किलर सेल और सिंपली एनके सेल। बी सेल और टी सेल एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बट नेचुरल किलर सेल जो है ये हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ध्यान रखिएगा ये एक इनेट सेल है, ओके, इट इज इनेट सेल और इट प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी। बी सेल और टी सेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया ऊपर कि ये दोनों के दोनों स्पेशल सेल्स हैं। इनका खास तरह की इनकी ट्रेनिंग होती है ताकि ये अपने खास तरह के एंटीजन को पहचान सके, या बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजन्स होते हैं उनको पहचान सके। टी सेल की ट्रेनिंग होती है थाइमस के अंदर, बी सेल की ट्रेनिंग होती है बोन मैरो के अंदर ही इसकी ट्रेनिंग हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि स्टेम सेल से ये दो ही कैटेगरी है, माइलोइड प्रोजिनेटर सेल और लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल। इसी स्टेम सेल से आपके आगे चल के आरबीसीज भी बनती है, यानी कि रेड ब्लड सेल, या एरिथ्रोब्लास्ट, सॉरी एरिथ्रोसाइट्स जिसको आप बोलते हो, और इसी स्टेम सेल से आगे चल के प्लेटलेट्स वगैरह भी बनती है। ठीक है, सो एक और सेल है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा बेसोफिल और न्यूट्रोफिल की बात करूंगा। सो स्टेम सेल से एक सेल बनती है, दैट इज कॉल्ड मोनोब्लास्ट सेल। इट मेक्स मोनोब्लास्ट सेल। नाउ मोनोब्लास्ट सेल क्या करती है, मोनोब्लास्ट सेल ही बनाएगी आपकी मोनोसाइट सेल को। ओके, मोनोसाइट सेल को, जो कि आपने डब्ल्यूबीसी के अंदर भी मोनोसाइट के बारे में पढ़ा होगा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब। मोनोसाइट क्या है, अब मोनोसाइट का भी काम बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ करने का होता है, तो मोनोसाइट इसको तब बोलते हैं जब ये होती है ब्लड के अंदर। बट यही मोनोसाइट जब ब्लड से बाहर आ जाती है तो हम इसको बोलते हैं मैक्रोफेज। ओके, तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं मैक्रोफेज में और मोनोसाइट में, तो दोनों सेम ही है, बट फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब मोनोसाइट ब्लड के अंदर है उसको मोनोसाइट बोलेंगे, जब वो ब्लड से बाहर आ जाएगी
टिश्यू के अंदर आ जाती है तो उसको हम मैक्रोफेज बोलते हैं। टिश्यू के अंदर आने के बाद में वो बैक्टीरिया को या पैथोजेंस को इनगल्फ करना स्टार्ट कर देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसोफिल्स, थोड़ा सा नीचे आते हैं फिर बात करेंगे। सबसे पहले बेसोफिल्स के बारे में बात करते हैं। इनको बेसोफिल्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये बेसिक डाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब इनके ऊपर बेसिक स्टेन डालते हैं तो ये रिस्पोंड करते हैं, ये कलर गेन कर लेते हैं। सो दे रिस्पोंड टू बेसिक स्टेन। ओके, और वो बेसिक स्टेन इनको डार्क ब्लू कलर प्रोवाइड करती है। तो इनके जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो डार्क ब्लू कलर के आपको अपीयर होंगे। जब भी आप बेसोफिल्स को देखेंगे, मान लीजिए कोई बेसोफिल है, तो उसके जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो आपको ब्लूइश कलर के दिख रहे होंगे, लाइक दिस। ठीक है, एंड अगर फंक्शन की बात करें, ये कब एक्टिव रहती है, तो ये एलर्जी और एस्थमा जैसे सिचुएशंस के टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहती है। दीज बिकम एक्टिव ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। मैं डिटेल में कराऊंगा एक एक सेल को, बेसोफिल्स को, न्यूट्रोफिल्स को, सबको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है इनके बारे में। एंड एस्थमा, और एस्थमा भी एक एलर्जिक रिएक्शन ही है। ठीक है, तो ये एक बस हल्का सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको, अब जब मैं डिटेल में कराऊँ एक एक सेल, तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में, अभी नहीं बताता, रुक के बताऊंगा, पहले ईसनोफिल के बारे में बताता हूँ। ईसनोफिल को ईसनोफिल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो इओसिन डाई होती है उसको एक्सेप्ट करती है, उसको रिस्पोंड करती है, जो कि एक एसिडिक डाई है। ठीक है, सो दे लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। दे रिस्पोंड टू इओसिन डाई और इओसिन स्टेन, यू कैन सी। अब जो इओसिन स्टेन है ये एक तरह की एसिडिक स्टेन है, एंड दैट इज द रीजन इसिनोफिल को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स एसिडोफिल्स। ओके, और क्योंकि ये एसिडिक इओसिन स्टेन ले लेती है, अब जो इओसिन स्टेन है ये रेडिश कलर प्रोवाइड करती है, तो जब भी आप किसी इसिनोफिल को देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो उसके जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो आपको रेड कलर के अपीयर होंगे, लाइक दिस। सो दीज आर रेडिश ग्रेन्यूल्स। देन बात करें कि ये कब एक्टिव होती है, तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन के टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहती है। दे बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जब भी कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, या वन मोर थिंग कि ये इन्फ्लामेशन के टाइम पे भी काफी एक्टिव रहती है, इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये अपना इसिनोफिल के बारे में हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रोफिल्स। स्टूडेंट्स न्यूट्रोफिल्स जो है, देखिए नाम से पता चला न्यूट्रल, दैट मींस ना तो ये एसिडिक डाई को सपोर्ट करेगी ना बेसिक डाई को ये सपोर्ट करती है। तो ये हल्का सा, जब इनके ऊपर इओसिन डाई जब हम डालते हैं तो ये हल्का सा रिस्पोंड करती है, और ये लाइट पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स शो करती है, एक बात। ठीक है, दैट मींस इनका जो रिस्पोंड है वो कुछ खास नहीं है, दे डोंट रिस्पोंड टू एसिडिक और यू कैन से बेसिक स्टेन। अब ध्यान रखना है कि इन सभी सेल्स में, जितनी भी डब्ल्यूबीसी है, जो न्यूट्रोफिल्स है दीज आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स, सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट सेल्स। कितना है
ऑलमोस्ट आप लगभग ये 40 to 70% ऑफ ऑल WBCs ये इसका कंटेंट रहता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डब्ल्यू न्यूट्रोफिल। तो इसके अंदर पहली बात तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी अलग अलग आपको ऐसे लोब दिखाई देंगी। लाइक दिस, ठीक है, दीज आर न्यूक्लियर लोब्स। अब यहां से एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि ये मल्टी लोब्ड है, इनका जो न्यूक्लियस है एक्चुअली वो मल्टी लोब्ड है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ओके, कितनी लोब हो सकती है इसमें? लगभग मिनिमम 3 to 5 लोब आपको किसी न्यूट्रोफिल में देखने को मिल सकती है। और जो इसके मैंने बता ही दिया कि जो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे वो आपको लाइट पिंक कलर के ऐसे अपीयर होंगे। तो इस टाइप से एक न्यूट्रोफिल आपको अपीयर होती है। और जो मेजर फंक्शन रहता है एक न्यूट्रोफिल का वो है फेगोसाइटोसिस। मेजर फंक्शन इज फेगोसाइटोसिस। अभी मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बात की न्यूट्रोफिल के, बस आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है ताकि आपको सब सेल्स का पता चल जाए कि कौन कौन सी सेल कहाँ कहाँ पे कैसे बनती है। अब ये जितनी भी सेल्स हैं दिस ऑल आर अनट्रेन्ड सेल्स, या आप बोल सकते हैं नॉन स्पेसिफिक सेल्स। कौन कौन सी? आपकी बेसोफिल्स और आपकी न्यूट्रोफिल्स, देन योर इसिनोफिल्स एंड देन नेचुरल किलर सेल्स। दीज ऑल सेल्स आर अनट्रेन्ड सेल्स। अनट्रेन्ड सेल्स, ठीक है। और ये सारी की सारी सेल्स जो मैंने आपको अभी लिखी है इनको एक एक करके मैं डिटेल में अभी करवाऊंगा आपको। ये तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जैसा कि मैं आपको बार बार में बता रहा हूँ। और ये सभी की सभी हमें इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ऑल सेल्स आर प्रोवाइडिंग इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स को भी हम नेक्स्ट पार्ट में और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।